विदेश से मुजफ्फरपुर आए 100 लोग अभी भी ट्रेसलेस है। स्वास्थ्य विभाग को नहीं लग रहा पता, मोबाइल भी स्विच ऑफ। अब तक 105 की हुई जांच। दरभंगा के बाद मुजफ्फरपुर में लगा क्विक वाटरिंग मशीन, 10 मिनट में 24 बोगी की ट्रेनों में भरा जाएगा पानी। 40 HP का 8 पंप लगाया गया। मुजफ्फरपुर में घर में निकला विषैला सांप, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत कर सांप को पकड़ा, 5 फीट लंबा था। बीजेपी सांसद ने योगी को बताया देश का भावी पीएम। अजय निषाद बोले योगी जिंदाबाद नहीं बोलेंगे तो मुकेश सहनी का विनाश तय। शीतलहर का प्रभाव, स्कूल हो सकते हैं बंद। बिहार में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस हुआ तो स्कूल होंगे बंद, अभी न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। पटना में बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे के अंदर बिहार में 8 लोग संक्रमित। पटना में 53 तो बिहार में 81 एक्टिव मामले। जब जातीय जनगणना का क्या होगा, यात्रा और हनीमून में बीच फंसा जातीय जनगणना, बिहार के दोनों प्रमुख नेता अगले महीने तक व्यस्त। साइकिल से भारत भ्रमण पर निकला ग्रेजुएशन का छात्र, नो फ्यूल नो पॉल्यूशन का संदेश लेकर यूपी से निकला युवक नालंदा पहुंचा, अब तक 2200 किलोमीटर की तय की यात्रा। जज समेत अन्य अफसरों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी, मामला पटना हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ के समक्ष हुई सुनवाई, फेसबुक को जा सकता है नोटिस। पटना में इंजीनियर के घर निगरानी की रेड, सिर्फ 4 घंटे में मिले 60 लाख से अधिक के कैश, पोस्ट ऑफिस में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। खगड़िया में जेल से बाहर आए युवा की गोली मारकर हत्या, 6 साल पहले जिसे मारी थी गोली उसी ने आज किया मर्डर, घटना के बाद आरोपी फरार। बिहार में 8386 फिजिकल टीचरों की बहाली का रास्ता साफ, अधिसूचना जारी, पूरे समय तक स्कूल में रहने की बाध्यता नहीं होगी, मानदेय 8000 रूपए। बिहार यूनाइटेड से मुजफ्फरपुर स्पोर्टिंग को 5-0 से हराया, बिहार सॉकर लीग का तीसरा मैच एक तरफा, फिर भी बेस्ट ऑफ 22 बने मुजफ्फरपुर स्पोर्टिंग के गोलकीपर। विश्वविद्यालय एथलेटिक्स टीम का सिलेक्शन ट्रायल संपन्न, मंगलौर यूनिवर्सिटी जाएंगे चयनित पुरुष खिलाड़ी, IIT भुवनेश्वर जाएगी में महिला खिलाड़ी। शिक्षकों और पुस्तकालयों के वेतन वृद्धि के लिए कैलकुलेटर तैयार, नए साल में मिलेगा फायदा, वेतन में होगी 2010 से 5120 रूपए तक की वृद्धि। भोजपुरी के शेक्सपियर की जयंती आज, भिखारी ठाकुर खुद रहे शिक्षा से वंचित लेकिन अपनी रचनाओं से नारी शिक्षा व सामाजिक बुराइयों पर किया प्रहार। दारोगा और अटेंडेंट पद के लिए लिखित परीक्षा, 26 को 2 पालियों में होगी परीक्षा, सीतामढ़ी में बनाए गए 10 केंद्र, केंद्राधीक्षक नियुक्त। मधुबनी में 4 घंटों से एम्बुलेंस के इंतजार में बचे बाल हृदय योजना में पटना से जांच कर लौटे, घर जाने के लिए नहीं इंतजाम। देर रात मधेपुरा पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, पुरैनी और आलमनगर में हुई हत्या के पीड़ित परिजनों से मुलाकात, मोबाइल की रोशनी में लोगों को किया संबोधित। स्वास्थ्य विभाग ने दी चेतावनी, एंटीजन जांच में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी रिपोर्ट। RPF ने पिछड़े बच्चों को परिजनों से मिलाया, कटिहार तेज नारायणपुर रेलखंड पर ट्रेन से बिछड़ गया था बच्चा, मनिहारी स्टेशन पर RPF ने उन्हें सौंपा। पटना में इंजीनियर के घर निगरानी की रेड, सिर्फ 4 घंटे में मिले 60 लाख से अधिक कैश, पोस्ट ऑफिस में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। कांग्रेस के पूरे दिन पदयात्रा में 100 लोग नहीं जुटे, पटना में महंगाई के विरोध में निकाली पदयात्रा, 2024 में सरकार बनाने का भी दावा। सीएम की यात्रा पर भड़के तेज प्रताप, समाज सुधार यात्रा को बताया ढोंग, JDU का पलटवार, ज्ञान के मामले में तेज प्रताप दया के पात्र। पूर्णिया में जमीन के लिए प्यार में फंसाया, फिर कर दी हत्या, मर्डर के बाद महिला ने बेटी और उसके प्रेमी के साथ शव को लगा दिया ठिकाने। अब सुर्खियों में थप्पड़ मारने वाले बीजेपी सांसद, WFI अध्यक्ष बृजभूषण से गुहार लगाने मंच पर पहुंचा था युवा पहलवान, सांसद ने थप्पड़ चढ़ दिया। रोहतास में कबाड़ी दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। गोपालगंज में चोरों ने कई दुकानों में की चोरी, पैक्स बैंक सहित करीब 12 दुकानों का ताला तोड़ा, CCTV खंगाल रही पुलिस। मुंगेर में ऑटो से गिरकर छात्र की मौत, मां के साथ स्कूल जाने के दौरान सड़क पर गिरा किशोर, तेज रफ्तार होने के कारण हुआ हादसा। बक्सर में बेटी की चाह में 8 माह की बेटी की हत्या, बेटी के जन्म से नाराज ससुराल वाले पिता ने बोरी में बच्ची को डाल नदी में फेंका। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।